दोस्तों, अगर अभी पहली मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज हुई रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्त, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेस्ट गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेस्ट पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेस्ट महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक MM क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदिरा धीना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको कब देख टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका
श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंड ट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको कब देख टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेस्ट गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेस्ट पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेस्ट महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदिरा धीना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज हुई रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेस्ट गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेस्ट पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेस्ट महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा धीना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश्ठ महिला गायिका
श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंड ट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको कब देख टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,
दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश गीतकर गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश महिला गायिका
श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंड ट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको कब देख टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्री सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंड ट्रैक M.M. क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी की तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेस्ट गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेस्ट पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेस्ट महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,
दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों, बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा धीना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज हुई रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश गीतकर गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश महिला गायिका
श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंड ट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको कब देख टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं।
और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,
दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश महिला गायिका
श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंड ट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको कब देख टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,
दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्त इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको कब देख टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश महिला गायिका
श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंड ट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। बात करें इस मूवी की IMDB रेटिंग की, तो 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेश गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेश पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेश महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलने के जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक एमएम क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा दिना पर आधारित है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी का नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी पहली मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले पहली मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 24 जून 2005 को रिलीज रोमांस मूवी पहली, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया अमोल पालेकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है।
बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.4 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 63% फ्रेश बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 63% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश भी बताया गया है। बात करें इस मूवी के गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को कितना परसेंट पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 68% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, दिलीप आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 20 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी, दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट है। बात करें इस मूवी की कहानी तो पहली 24 जून 2005 को रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर मध्यम व्यवसाय सफलता साबित हुई है, जिसने दुनिया भर में 32 करोड़ की कमाई की है। रिलीज के बाद आलोचनाओं से मिश्रित सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिसमें इसके प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी, वेशभूषा और विशेष प्रभावों की प्रशंसा की गई है। हालांकि इस कहानी को पटकथाओं की आलोचना हुई है। 51 फिल्म फेयर पुरस्कार में पहली को 2 नामांकन मिले हैं, सर्वेष्ठ गीतकार गुलजार धीरे जलाना के लिए और सर्वेष्ठ पुरुष गायक सोनू निगम धीरे जलना के लिए। 53वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वेष्ठ महिला गायिका श्रेया घोषाल धीरे जलाने के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म का साउंडट्रैक MM क्रीम द्वारा रचित और निर्मित है, जबकि गीत गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का साउंडट्रैक 6 मई 2005 को रिलीज किया गया था। गीत धीरे जलना आकोरिका ओकरा ओकरा 2003 के नदीरा धीना पर आधारित है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी है, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी कई बार देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप क्लिप वाइज एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद,